कौन हो तुम, कैसे मर गए थे? पूछो या ऐसा पूछो, कौन हो कैसे मर गए थे, कौन हो? नाम पूछो, क्या है पूछो, नाम क्या तेरा? ए देख हंस नहीं, उठा के बैठा के पूछ, नाम क्या है? उसे कहते हैं मसान। कौन मसान है, नाम क्या तेरा? वो नाम बता, नाम नाम क्या तेरा? कैसे पकड़े इसको, नाम क्या तेरा? कैसे पकड़े, नाम क्या तेरा? क्या नाम है? कैसे पकड़े इसको, कैसे पकड़े हो? कहाँ मिलेगा ये रास्ते में, कहाँ पकड़ा? पार्नर की मोड़ पर तेरे को। क्या बोली? पार्नर मोड़। क्या होता है? हंसना नहीं, देखो भी मत करना जरा सा भी। गांव से मायसे बोल रहे हो? कहाँ से आए हो? आगरा से। आगरा से बिना बताए नेट पे जाएगा, पता है ना? वीडियो ही देख के यहाँ आए। कब से हो इसके ऊपर? कितने साल से? 8 वर्ष से। कितने साल से हो? 8 साल है गए। 8 साल से। इसको तकलीफ क्या दिया? तकलीफ क्या दिया पूछो? क्या तकलीफ देता है? पीर का तो पीर। हाँ, नस पीर। ये नस करता था, तू ही करता था। पीर ही कत्तू से को। दर्द करता है। से को कत्तू। ये नस फुलाता था, तू फुलाता। हाँ। अच्छा। इसके बच्चे कितने बर्बाद किया पूछो? बच्चे क्या बर्बाद किए? बहुत कद्दू। बोल नहीं तो थप्पड़ मरवाऊंगा, तुरंत मरवाऊंगा। कितने बच्चे बर्बाद किया? एक तमा बाबा। कौन को बाबा? एक तमा बाबा। और कितने करे बता। बता। मारो एक थप्पड़ उसके मुंह में पहले। कौन मारा था? लड़के और लड़का मारा। लड़के लड़की क्या मारी थी? लड़की ने मारी मैंने। तो कौन मारी? लड़की ने मारी मैंने। लड़का मारी थी। क्या बोल रहा है? बरिया डरे तो पूरे डरे। किसके मारे थे? किसके बच्चे मारे? किसके मारे थे? तीन तो अपने भाई के मारे थे। किसके? अपने भाई के। किसके मारे थे? बोले बताया। किसके मारे थे? बच्चा था वो। वो बच्चा कितना बड़ा था? हाल के मारे। क्या बोल रहा है? हाल के मारे। कितने मारे? कितने मैंने मारे? 3-4। सही बता, 3-4 मारे। कितने महीने की? दो तुम्हारे पूरे सके बैगे। पूरे क्या होता वैसे बताओ ना। पूरे पूरे 3 महीने के, 9 महीने के, क्या पूरे? बोल दो रहा है पूरा कंप्लीट पूरे। इसके कितने बच्चे? तो दो पर आऊ। इसके पूछो, इसके ले जाओ। इसके कितने मारे? इसके कितने मारे थे? एक एक लड़का या लड़की? लड़का पर आऊ करा था। कितने दिन का था वो? 4 महीना का। पेट में या पैदा हो गया? पूछो उसे। पेट में के बच्चा पैदा हो गया था? नहीं, वैसे ही डाल रहा था। वैसे ही डाल दिया था पेट में। वो पेट के अंदर ही मार दिया। अच्छा, पेट के अंदर ही 4 महीने का? 4 महीने। तुझे क्या मिला? मैंने बहुत कुछ खा लाओ। तुझे क्या मिला मार के? वो अच्छा लगो। अच्छा लगो? कहाँ सिखा था तंत्र मंत्र करना? अच्छा। कैसे पकड़ा इसको तू, ये बता अभी। इसको कैसे पकड़ा? अपने ससुराल जा रहे थे। ये अपने ससुराल जा रही थी, फिर मैं से बाओ मुझे क्या मैं से पकड़ी थी। कहाँ पर?
नहीं पकड़ी पान देखी मोड़ के जा रहा औरंगार पत्तु है। क्या पढ़ता है हिंदी में हमें बताओ क्या पढ़ता है पान देखी मोड़ते आगे और पत्तु है क्या पढ़ता है वहाँ क्या कुछ बोलेगा कुछ कैसा। अरे यार तू हिंदी में बता हमारे हिंदुस्तान वाले हिंदी ही समझते हैं ना। पीपर का पेड़ है ये गाँव जा रही थी अपने घर पे कई साल पहले सुना ये पीपर का पेड़ है कई साल पहले 8 साल हो गए 8 साल पहले जा रही थी पर ये पीपल के पेड़ से निकल के पकड़ लिया ये बात समझ में आ रही है। फिर इसको क्या बनाया तू बहन बीबी लड़की क्या बनाया सेब बना के रखता हूँ क्या सेब बना के रखता हूँ सेब बना के क्या रखता है बताएगा तो बोलो ना बीबी बहन के भाई कौन रखता है क्या रखता है बता बहन बना के रखता है कौन बना के रखता है बता। कपड़ा क्या पहना है तू कपड़ा पहना क्या है बोल नहीं तो मार पड़ने लगेगी यार बोल दे क्या कपड़ा क्या पहना है तू बोल का कपड़ा पहने पढ़ना लिखना आता है कुछ साइन करने पढ़े लिखे है कुछ है कितना कितना साइन कर देना आत्म साइन आता है साइन करने आ जाता साइन करे वो आते ना पकड़े हाल ला वो आगे ले आओ। देख कपड़ा क्या पहना है तू कपड़ा क्या पहना है कपड़ा क्या पहने मैं साड़ी पहन रहा हूँ साड़ी किस रंग की साड़ी पहना है तू साड़ी किस रंग की पहना है किस रंग की साड़ी पहने हो आँख खोल इधर देख हाँ खोल इधर देख किस रंग की साड़ी पहना है तू क्या नाम है तेरा नाम क्या है मारू साली को थप्पड़ मारू नाम बताना नाम कहा तेरो क्या नाम है तेरा नाम क्या है काम बता नाम बता नाम बता वो तो अभी आ जाएगा खुद ही करवाओ काम कर इधर करो ना उसको बेवकूफ अरे ले नाम लिख आत्मा नाम लिख साले नाम लिख देख कायदे से लिख आँख खोल के नहीं बहुत मारूंगा नीचे आत्मा नाम लिख लिख नशा क्या किया है नशा क्या किया है नशे में है ना क्या नशा किया है नशा क्या किया है लिख मारो भैया एक आध थप्पड़ है लिख नाम लिख तू बोला है अभी लेकिन नाम नाम लिख 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 ले लिख तो कहते ना इसको करके किसने खिलाया पूछो उसका नाम छोड़ो किसने खिलाया तेरे को करके तेरे को नहीं इसको इस औरत को इस औरत को करके किसने खिलाया किसने खिलाया किसने खिलाया बोल पूछो यार टाइट होके किसने खिलाया ये सब दोनों गधे हैं मेरे तो माता संग और रह रंजे वो माता कौन सी माता है संग माता रह रंजे माता की सेवा करवा करो कौन सी माता है तेरे साथ माता कौन सी रह रंजे कौन सी माता है पूछ लो कौन सी माता है वो से बात है अध्यपुरा वाली अध्यपुरा वाली पूजा लेंगे और हाँ पूजा पूजा ले माता लिया बुलाए के माता है यही तो अंधविश्वास है तुम लोगों में भैया कौन सी माता देवी देवता होते तो ये परेशान होते ये लोग अरे देवी देवता कौन सी माता है आओ जरा बालाजी से बात करो हाँ हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर बैठे दर्शन हो जाए दर्शन के लिए कौन से भगवान हो है कौन से भगवान हो आप खोलो इधर देखो बाबा से बात करो कौन से भगवान हो भाई कौन से भगवान हो कौन सी देवी हो ये सब भूत प्रेत है भैया जहाँ पर देवी देवता आ जाएंगे कोई परेशान नहीं हो सकता है कहाँ है नेबू इसका दो नेबू कहाँ है इसका पर्ची कहाँ है नेबू कहाँ है इसका नहीं दिया नेबू नहीं दिया नेबू नहीं दिया है अच्छा कोई बात नहीं हम दे देते हैं
इसको नीचे रख दो, ये लो, अब हम तुमको ऊपर भेजते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में जाओगे या नरक में? माइक नीचे रखो, दबाओ नहीं वो, रखो इसमें, जाम रखो, रखो। पूछो स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? पूछो स्वर्ग में जाना है कि नरक में? हैं? नरक स्वर्ग में कि नरक में? जल्दी रख, नरक में, नरक ही में जाएगी तू, हमें पता है। बेवकूफ बनाया लोगों को, पूजा पाठ ये वो बहुत गुमराह कर दिया। रख बाल जो मुट्ठी बांधे वो दिखता रहे, हम काटेंगे। आँख खुलवाओ उसका, आँख खुलवाओ, बेवकूफ हो, आँख खोलो, आँख खोलो। इधर देख, देख जल्दी दे भाई, क्या कर रहा है? चल भाग जा चिता पे, भाग। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है? ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ। जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है? हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है, मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नाइन टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना।
और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सब, कोई नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा, इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।